लाठी आंसू गैस गोली चलाने वाली है सरकार, बराबर सरकार है, अपराधी सरकार है। पहले तो अपराधी के संरक्षण का आरोप लगता था, अब तो पुलिस से लाठी चलवा रहे हैं, आंसू गैस छुड़वा रहे हैं। छात्रों पर कभी गोली चलती है, कभी लाठी नौजवानों पर, शिक्षकों पर, किसानों पर चलती है। यह बर्बरता की सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी। विजय, कोई भी कहे, विजय सिंह की मौत हुई है प्रदर्शन में, मार्च में वह भाग ले रहे थे, पुलिस की अंधाधुंध लाठी चल रही थी, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, उस बर्बरतापूर्ण लाठी और आंसू गैस के दोनों के प्रभाव से पुलिस की बर्बरता यानी सरकार तेजस्वी और नीतीश जी की बर्बरता के कारण उनकी मौत हुई है। अब बीजेपी के आगे क्या रहेगा? बिल्कुल, शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए, नौजवानों के अधिकार, किसानों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार और नौजवानों के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ी है। विजय सिंह की आहुति भारतीय जनता पार्टी ने दे दी, विजय सिंह ने अपनी आहुति दे दी है बिहार के लोगों को न्याय और अधिकार देने के लिए, बिहार इसको देख रहा है। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विजय सिंह की मौत पुलिस के लाठी चार्ज में हुई थी और उसके बाद उन्हें PMCH लाया गया था जहां उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विजय सिंह की आहुति खत्म नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से PMCH पहुँचे थे नित्यानंद राय, जो पहले गांधी मैदान से मार्च में थे, उसके बाद जैसे ही विजय सिन्हा की मौत की खबर मिली, उसके बाद PMCH में तमाम बीजेपी के नेता पहुँच रहे हैं और साफ तौर पर कहना है। इस बीच पटना के SSP ने एक बयान देकर कहा है कि विजय सिंह अचेतावस्था में छज्जू बा के पास मिले थे और उन्हें उसके बाद भर्ती कराया गया था, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक पुलिस की जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज होती है उसमें एक कार्यकर्ता की मौत हुई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।